जब आप देखिए इसमें कैसे पानी निकल रहा है। एक्चुअली क्यों होता है जब आप पानी में चला, मेरी गलती ये हुई कि मैंने पहले से भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं उसको इग्नोर करता गया और प्रॉब्लम बढ़ता गया। हमको चाहिए कि हम ड्राइवर जब होते हैं तो अपनी गाड़ी का ध्यान रखें और चीज़ों का ध्यान रखें, सही टाइम पर उसका मरम्मत कराएं, उसकी ठीक सही सर्विस कराएं। गूगल पे है ये लेफ्ट का, ये राइट का, इधर मार्केट में आया मैं सर, सेकेंड से यहाँ पे आइटम मिलता है, जो मैं यहाँ गैरेज से चल के 10 किलोमीटर पे आ गया हूँ। अब चलता हूँ गाड़ी के पास और ये फिटिंग करूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस आरएनडी कार सर्विस में। ये गाड़ी इंडिका, मैं अपने गैरेज से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये गाड़ी बनाने आया हूँ। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड का जो एक्सल होता है, ड्रेस अप्ट होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो एक्सल एक्चुअली कट गया है। क्यों कटा, कैसे कटा, हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तब तक तो ये लेफ्ट साइड का ये एक्सल रड हुआ, देखिए ये कैसे टूट गया है। यहाँ से देखिए हम इसको खोलते हैं, फिर देखिए आप, यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो हमने ये पुराना एक्सेल यहाँ पे रिमूव कर दिया है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल यहाँ का बॉल्स अंदर टूट गया है, देखिए अभी शॉक अब्जर वीक रहता है, उसी में चलाने से ये ड्रेस अप मर जाता है। ये वाला हमने यहाँ पे अच्छा पड़ला डाल दिया, इसको डालते हैं, फिर पकड़िए सर, यहाँ पे निकल में डालना पड़ता है तो सेंटरिंग करके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया और लो आडम को फंसाएंगे। यहाँ पे लोअर आर्म हमने बोल्ट जॉइंट डाल दिया, इसका ये बोल्ट डालेंगे। आगे काम करना, क्योंकि टूल्स पूरा ये नहीं मिल पाती हैं और एडजस्ट करके कहाँ पर काम करना पड़ता है, क्या करें। अब बोलो दोस्तों, तो यहाँ पे ये फुल अप टाइट हो चुका है, अब इसमें ये एक्सल का जो होता है ये डालना है। ये छोटा सा यहाँ पे लॉक लाए हैं इसमें डालने के लिए, फिर इसमें यहाँ पे देखेंगे पहले। लॉक लगा देंगे यहाँ पे डिस्क में, यहाँ पे होल्ड रहता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे इसमें टाइट करेंगे। यहाँ पे फुल टाइट हो चुकी है, दोस्तों। तो ये लगभग हम 20 किलोमीटर पे आए, गाड़ी ये ड्रेस अप जिसका कट हो गया है। अपने गैरेज से बहुत दूर चल के इधर आया हूँ। ये क्यों होता है, क्या वजह से होता है, यहाँ पे सस्पेंशन थोड़ा वीक होती है और जो एक्सल होता है ये ड्रेस अप जो दिख रहा है आपको, जब आप देखिए इसमें कैसे पानी निकल रहा है। एक्चुअली क्यों होता है, जब आप पानी में चलाते हैं तो स्लो से गाड़ी को मूव कीजिए, ये तो इसके अंदर पानी जाने की वजह से इसका बॉल्स वीक हो जाता है और बॉल्स पूरा फूट जाता है। ये क्या हुआ, इनके साथ ये कहीं पे आए थे ड्रॉप करने के लिए किसी को, और एक्चुअली ये हो गया ऐसा प्रॉब्लम। चलिए फिर ये गाड़ी रेडी करके मूव करके घर गैरेज चल के फिर आपको बताते हैं, तब तक ये गाड़ी वाले से आपको बात कराएंगे। तो
तो यही है हमारे सर जिनका गाड़ी में 20 किलोमीटर दूर आके बनाया, इनसे कुछ पूछिए थोड़ा। नमस्ते जी, मेरा गाड़ी टाटा इंडिका, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ओला की गाड़ी चलाता हूँ। कल मैं रात को करीब 1:30 या 2 बजे यहाँ पैसेंजर को छोड़ने आया था। जोर की बारिश हो रही थी, बारिश के दौरान एक गड्ढा था, उसमें गाड़ी जोर से जाकर टकराई तो उसमें कुछ जोर का आवाज़ आया। फिर मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा, थोड़ी देर जाने के बाद में मेरे गाड़ी का एक्सल कट हो गया, मुझे बहुत मुश्किल हुई। फिर मैंने जो पैसेंजर बैठा था उनको यहीं पर उतार दिया, वो दूसरी गाड़ी बुक करके चले गए, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई। मैं रात भर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर सोचा क्या करूँ। फिर ऐसे ही रात में दूसरी मैं भी ओला बुकिंग करके अपने घर गया। सवेरे आने वक्त हमारे भाई को बुला कर लेकर आया। मेरी गलती ये हुई कि मैंने पहले से भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं उसको इग्नोर करता गया और प्रॉब्लम बढ़ता गया। हमको चाहिए कि हम ड्राइवर जब होते हैं तो अपनी गाड़ी का ध्यान रखें और चीज़ों का ध्यान रखें, सही टाइम पर उसका मरम्मत कराएं, उसकी ठीक सही सर्विस कराएं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे मैकेनिक भाई का कि उतनी दूर से मेरे साथ में आकर यहाँ पर उन्होंने मेरा हेल्प किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मैं रिकमेंड करता हूँ कि श्री राम गैरेज को सब लोग जाकर अपनी गाड़ी सर्विस कराएं। ठीक है सर, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हमारे इस आर एंड डी कार सर्विस को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय।